सत और निष्ठा से ना पीछे हटे हैं ना हटेंगे। गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ग्यारह रुपए में पढ़ता था पढ़ेगा, फटने दो दुकानदार वालों की कोजी कोजी फट जाए, सेटिंग करा के भी गाली दीवार है लोग, क्या फायदा है। हिम्मत तो बहुत बोल्ड है, शेर है, आगे सामने गाली बोलते बेटा चुमा ले। और हम बोले, हमको सुरेश बोला कि एक आदमी को लपेट ली का खर्चा पानी भी निकल जाए, मैं भी एक तरीके लपेट लेने का मतलब हो गया कि ये तो कुत्ता काटा, हम कुत्ता को काट लिए, सर अब खुद हाइड्रो फोबिया हो जाएगा। एक तो खुद बेचारा पीटी फेल है, टेंशन में है, और उसको हम लपेटे लपेटी करे तो फेसबुक है, इसीलिए व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। चलो अगर तुम लोग नहीं रहते ना, एक बात बता रहे, तुम लोग मतलब बच्चे और बच्ची नहीं रहते तो कभी भी मेरा हार्ट फेल कर जाता है। जितना मुसीबत झेलते हम, जितना मुसीबत झेलते हम, माँ मेरी मरी, चला चार सब मियाँ बड़का बड़का दाढ़ी वाला, आप मिट्टी नहीं दे सकते हैं। हमें कहे भाई तो ना, आप तो हिंदू हो गए हैं। तो एसपी डीएसपी थानेदार तीनों था चेला, हम अगर ऐसे ऐसे बात हो तो बोला गुरुजी अगर कुछ कह रहे हम लोग, कुछ हंगामा हो गया हिंदू मुस्लिम तब, हम कुछ ना कहना कि सम्मान में सम्मान देने है तो पूरा सैप और फोर्स पूरा भरवा दिया कब्रिस्तान के चारों ओर। हम बोले इशारा तो भैया को देखिए, ये आप नहीं करवा सके, हम मामूली आदमी हो गए, इतना लोग आया है इस श्रद्धांजलि में, और उसके बाद मिट्टी देने गए तो किसी के मुंह से चूई भी नहीं निकला। समझ ना, चले लाद के बाद बात नहीं मानता। अरे हमको जो चीज अच्छा लग गया एडवर्टाइज ले लिया, देखिए हम ही कहे करवा रहे हैं ये अब आप लोग बता दे रहे हैं हम क्यों करा रहे हैं। पीटी में हम लोग बनाए हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन पीटी में ही नहीं कराए थे, उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन छुटा उठा नहीं। अब कटअप कितना जाया कितना गया उसकी हमको परवाह नहीं है, हमको सफल बच्चों से मतलब है, असफल को सफल बनाना मेरा उद्देश्य है। अब हम जो फेल कर गया उसके लिए पीछे क्यों हम बहू रहे, और हम नेता हैं नहीं कि रोड पर आंदोलन करें। जब हमारे बच्चे पास किए हैं, यानी बच्चे पास करने वाले को हम देखे ही नहीं होते, तब आते तब हमारे मन में और घृणा पैदा हो जाती, लेकिन बचवा तो वही है सब। तो हम इसलिए करवा रहे हैं, जैसे मान ले पूछ देगा ये तो पूछ देगा कि पलासी का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये सबको याद है। अब तड़ से पूछ देगा कि बक्सर के युद्ध के समय कौन था, अब ना पता चलो, अब ना पता चलो रे, तो ये हल्का हल्का क्वेश्चन वहां गड़बड़ा देता है। जैसे सादत खान सब जानता है अवध का संस्थापक, हम जब बोल देते बुरहान उल मुल्क सादत, सादत खान बुरहान उल मुल्क लेकर कमेंटो करता था सब, लेकिन क्वेश्चन वहां वही आ गया बुरहान उल मुल्क। तो ये सब ये है, अनुभव है, इंसानियत है और मोहब्बत है, इसलिए हम 11-51 करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हम गाली सुने, लेकिन मजबूर हैं हम केवल इसलिए कि हम आज तक एक मुर्गी तक को नहीं मारे हैं बेटा, बस इतनी ही सोच ले, एक मुर्गी तक को नहीं मारे हैं आज तक, आज तक कि मुर्गी भी जबा किया हो तो आज तक नहीं। तो फिर हम फिर किसी दूसरे का बुरा क्यों सोचे हम, अरे प्याज लहसुन के अभाव हो घर में, गया को लेगा ई करे शरीर मलने, तो लहसुन खोज रहा था हम, बोले कि माता जी लहसुन हो गए, हम बोले तो बोले शांत रह, तो नीचे वो रहता है उससे तो वो लहसुन अपने से पकाया लगाया। तो जिसको जो मन को करे अपना, हम क्यों कहें कि तुम भी लहसुन प्याज रखबे करो, इसलिए ना लहसुन प्याज महंगा होते जा रहा था, हमको कोई टेंशन नहीं था।
घर पर सवाल ही नहीं उठता, घर पर एकदम पत्नी के सामने एकदम स्वामी भक्त, कहीं ना सुन लेगी, सुन लेगी तो हटके हो जाएगा। तो नहीं, मटन चिकन मत खाइएगा बाहर। अरे क्या बात करती है तुम, तुमको आदि हम खा लेंगे, हम मुन्ना भाई उड़ा लेते हैं। तू ही लोग पहुंचाएगा आओ जी। ना ना फोटो खींचे वाला जगह नहीं खाते हैं, विदेश में तो नहीं खाते हैं, विदेश मतलब पटना से बाहर का तो सवाल ही नहीं उठता था, कोजी खिला देगा, मेढक खिला देगा, क्या खिला देगा। बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहे यार, मैं सब तंग तंग कर देता है, सब करता है, सही से पूरा पिनकल होगा कि जय श्री राम जय श्री राम। बोला जाके बीवी को बताया ऐसे बोल रहा था, बेहुदा कमीना लोफर ये हो गया, बोल कल तो गलती हुआ उसको, सरस्वती पूजा बना दे पूजा बैठ रहे हैं आप भी आइए, चल भुला गए थे, बड़ा है तुम से सबसे छोटा हम ही थे इसलिए सबसे ना लाख निकले। सर जॉन सोर 1793 से अरे भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता, तुमको भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता वही था। सर जॉन सोर 1793 से 1998। हाँ सोनू वहां से नमका बेटा, हाँ ना आइए बेटा, आइए बेटा, ना ठीक ठीक बेटा आइए ठीक, वहां से वहां से। सर जॉन सोर लिखे 1793 से 1998, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति यानी आपके आंतरिक मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अहस्तक्षेप की नीति। फिर तिरी आइए, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, 1798 से 1805 सहायक संधि की शुरुआत इसी के समय, सहायक संधि शायद नहीं, इसी के समय सबसे पहले हैदराबाद ने, सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की। हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की 1798 बेटा, कहीं कहीं 99 देता है, लुसेंट उसेंट का हमसे मत कंपेरिजन कीजिएगा बेटा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, 1799 आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय सॉरी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस त्रियाखे, लॉर्ड कार्नवालिस
दोबारा नियुक्ति 1805 गाजीपुर में मृत्यु इसका कब्र यही है। यूपी मेरे नेक्स्ट त्रिया के सर जॉर्ज बारलो आग बारलो हाँ सिद्धांत अरे यार अभी काहे के लिए फोन करना तुम चुप कर दिए। हम बोले कि जा पीएमसी के पास पहुंच जाना, पीएमसी के पास आएंगे तो वहीं पर फोन करना। वेलोर में सैनिक विद्रोह 1806 में इसी के समय हुआ, 1805 से 1807 वेलोर का सैनिक विद्रोह 1806 इसी के समय हुआ। फिर टिकी आई है लॉर्ड मिंटो प्रथम वही तो हुआ सर जॉर्ज बारलो। चलिए आगे, ज्यादा तेज मत बन, दरोगा बने मत पढ़, कलेक्टर मस्जिद में दिक्कत हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 फिर तिरी आइए 1813 लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 है इस बारे में बहुत लेकिन उन्हीं चीज पहलुओं को रख रहे हैं जो पूछेगा। 1813 से 1823 आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 सगौली की संधि 1816 नेपाल से 1816 को पूछा था तो लिखा था कि दोबारा नहीं पूछे हैं तो लिखो सगौली की संधि 1816 नेपाल के साथ तराई प्रदेश गढ़वाल कुमायू शिमला मसूरी नैनीताल रानीखेत
जैसे हिल स्टेशनों पर कब्जा, जैसे हिल स्टेशनों पर कब्जा, इसी ऐसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 1820 में मद्रास के गवर्नर, 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लागू, रैयतवारी व्यवस्था लागू, जेएस मिल कहता है कि जेएस मिल कहता है कि, अरे जेम्स मिल में हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्री पार्ट में लिखा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत नहीं पता है, बोका है, हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं। जेएस मिल अलग है, लिख जेस्टिन सोल्जर मिल, जेएस मिल कहता है कि जिस योजना की नींव क्लाइव ने रखी, क्लाइव ने रखी तथा जिसको वारेन हेस्टिंग्स कार्नवालिस और वेलेजली ने कार्यान्वित किया उसे पूर्ण करने का कार्य, उसे पूर्ण करने का कार्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया तिरियाइए लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828, एम हर्स्ट 1823 से 1828 बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अरे लॉर्ड विलियम बेंटिक यार, एमहर्स्ट की बात बोले ना, टिकिया दीजिए, अब बोल रहे हैं लॉर्ड एमहर्स्ट हो गया ना, लॉर्ड एमहर्स्ट में क्या लिखे, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 अब लिखे लॉर्ड विलियम बेंटिक तिरिया के 1828 से 35 हेलो सुबोध आ रहा है, तो सुनिए ना, तो पूरे बताओ, सुनिए तो
तो बोले ज्योग्राफी के बारे में पूरा इसका जिक्र खाली समझा दे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ना, लड़कों से कोई दिक्कत नहीं हो, समझा दे पूरा ज्योग्राफी के बारे में कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक स्पेशली बता दीजिएगा। टॉपर है बीपीएससी का, हम पीटी में बिजार खूब भाग भाग के आते थे राजगीर से, का है तो 101 रुपये में पढ़ाते, इसलिए कोनो कोनो लड़का प्यार बहुत करता है सब, गाली बकने वाला संस्कार ही नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन प्यार तो ऐसा ऐसा करता है सब, मत कहिए बाप रे बाप, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो चाहे एस सी हो चाहे एस टी हो, गोल हो ढोल हो, कोई भी प्यार बहुत करता है। अब गुस्सा में है सब, अभी नहीं रिजल्ट हुआ है, टेंशन में होगा तो स्वाभाविक है कुछ बोलेगा, जो संस्कारहीन होगा वो गाली बक देगा। हाँ संस्कार ही नहीं बकेगा, जो नहीं है तो जो संस्कार वाला है वो कभी नहीं बोलेगा। हाँ तो मेरा बच्चा तो जाएगा कहाँ, 1829 में सती पर था, 1829 में सती पर था, शिशुबध तथा सेलिमेन की सहायता से, सेलिमेन तथा सेलिमेन की सहायता से, सेलिमेन की सहायता से आदमी का नाम है, ठगी प्रथा का दमन, ठगी प्रथा का दमन